All of you, welcome to Rajmadav Vidya Vihar online class, standard 3rd, chapter 16, an egg and milk. Read these sentences. Number 1, I want an egg. He wants two eggs. Means, usko egg chahiye. Then second is, he wants two eggs. Usko do eggs chahiye. Number 2, I want milk. He wants milk. So, we can say an egg means one egg or two eggs because we can count eggs. Means, एन एग यानी कि वो ओनली वन एग के बारे में एंड टू एग्स बिकॉज वो काउंट कर सकते हैं मतलब कि टू एग्स बट वी कांट से अ मिल्क और टू मिल्क्स बिकॉज वी कांट काउंट मिल्क यानी कि यहाँ उसको वी कांट उसको मिल्क चाहिए ए मिल्क और टू मिल्क तो मिल्क जो है वो हम काउंट कर सकते नहीं है सो लर्न नंबर 1 नेम ऑफ थिंग विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउंस मीन्स ऐसे थिंग्स जहाँ पर जो काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन वी राइट ए और ए एन बिफोर देम तो जब भी काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ उसको उसके पहले आपको ए या ए एन लिखना है लाइक एग्जांपल एन एग इग इक्वल टू एग्स ए हैन इज इक्वल टू हैंस नंबर 2 नेम ऑफ थिंग विच वी कांट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे थिंग्स जहाँ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन वी मस्ट नॉट राइट ए और ए एन बिफोर देम यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में हम उसके पहले ए या ए एन लिखेंगे नहीं दे हैव नो प्लूरल्स इसमें प्लूरल्स होते नहीं है लाइक एग्जांपल मिल्क वाटर राइस बटर यानी कि मिल्क जो हम उसको काउंटेबल नहीं कर सकते वाटर जो लिक्विड होते राइस जो बहुत सारे राइस होते हम गिन नहीं सकते एंड बटर वो भी अनकाउंटेबल नाउन है एक्सरसाइज 1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन बिलो यहाँ आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन दिए हैं जो हमें FIB फिलअप करनी है सो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्ट एयर ऑयल इंक व्हीट चॉक टी मिल्क ब्रेड घी सो नंबर 1 द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क जो बॉय है वो मिल्क पी रहा है नंबर 2 द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ चॉक जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड में चॉक से लिख रही है नंबर 3 वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर मीन्स हम हवा के बिना जी सकते नहीं है नंबर 4 मैनी पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह चाय पीते हैं नंबर 5 देयर इज इंक इन दैट बॉटल यानी कि बॉटल में इंक है नंबर 6 अ बेकर बेक्स ब्रेड यानी कि जो बेकर है वो ब्रेड बनाता है नंबर 7 पंजाब ग्रोज अ लॉट ऑफ व्हीट पंजाब में बहुत सारे गेहूँ उगाए जाते हैं नंबर 8 ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कोपरा जो कोपरा होता है उसमें से ऑयल निकलता है नंबर 9 वी मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर यानी कि जो दरियाई पानी होता है उसमें से सॉल्ट बनता है नंबर 10 घी इज मेड फ्रॉम बटर जो घी है वो बटर में से बनता है तो यहाँ जो सभी आपको दिखाई दिए FIB वो सभी अनकाउंटेबल नाउन है सो लास्ट ईयर होमवर्क चैप्टर 16 फिल अप इन योर वर्क बुक सो थैंक यू प्रणाम